केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। क्या बोलेगा तो सबको भी भला करना भैया, इतना काली तुम्हें जबकि है परेशान एक बंदा मेरे को मैं समझे उड़ा देना भैया तुम्हें, दूसरा क्या भी करो ना को संज्ञान का करो नहीं तो क्या को कर रही काट देने की बोल रही बीच में हमारा के बच्चे को ना देने का नहीं फॉर्म नहीं बने तो नहीं सहूलत करा को देना नहीं नहीं करा देते तुम्हें ऐसा जुलम देते हो तो संगे कम करो को इनका डिमांड वुमेन्स का शांतिनगर में बैठा का ये प्रॉब्लम की तकलीफ बहुत हो गया भैया संगा मेन से भी संगा बंद करना भैया एक कहते कि आज मैं क्या कर रही बोलो संज्ञा बनने के वास्ते ब्याज ले रही मैं नहीं कर को नहीं ब्याज वाले भी तो समझ को क्या बोलना बोलो ये बार हम मिस होगा नहीं हो बार हम समझ लो वैसा सब नहीं है ये बार मुझे और डबल भी ब्याज दल को देना क्या हो रहा बोलो भाई काम भाग जा रही है की मर रही की मालूम नहीं किस रिलेशन में अब 15 रोज होगा जाको इनके देवरानी हमें घर में रहना तो मुश्किल है मैडम तेरे 4,000-5,000 मतलब क्या संदा का धंधा कर रही हूँ ना इन्हें बिल्डिंग बंगले से भी बल्ले को अज्ञात लूट ले को बैठ गया तो भूखे भूखे मर जा रही है मरने चलेगी उन्हें शबाना क्या काम करते हैं मैं गुजरी का गुजरी का काम करते हैं कब से नहीं से तुम्हारा भाई का कितना संख्या लगो हिसाब छह संख्या लगो सब तुम्हें रोकना सब तुम्हें सब क्या है बोले तो कमा दे 500,000 रुपए लेती सो वो संगा बनने वो संगा लेती वो संगा बनने वो संगा दोस्त का ब्याज भैया भाई तो आप संगे पैसे नहीं रहते आप तुम क्या करती बोलो मरकन में 1,000 रुपए कुछ तो शाम तक 5,000 को देती 5,000 को देती ब्याज वैसा मजबूरी को ले लेती भैया पका को खारी नहीं भैया 3 दोस्तों में पका खारी हमारे घर पर वही बेटो भेजी पेट चल रहा देखे तो आरस को खानों को पैसे नहीं भैया ब्याज बंदा बन जा रही ना अरे घर चारों को 4,000-5,000 का संगा कहां से बनता चलेगी ना जी मरी मालूम नहीं हालत देखे तो मेरा अफसोस बहुत होता है पकड़ा तो दम जाना वैसे ही पहले की फोटो ये अल्लाह का बस कर रखो इनका सबका मतलब हमें इनकाज कर को बोल रही हूँ जितने भी मोमिन मुसलमान या परेशानी गौरा था उनका सबको मदद करो भैया राजू राना बच्चा को फांसी डाल डाले जोरू भी डाले मरक भी डाले मर गया संज्ञा की तुम्हें बहुत बीस से नहीं घर का नहीं मालूम करो संज्ञा के बारे में बहुत कुछ है करो तुम्हें जो हम ना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज एक सवेरे से जो है बहुत सारे लेडीज फोन कर लेको थे वार्ड नंबर 12 से मंजे भी फोन कर लेको थे हमारे असलम भी को फोन कर लेते थे बाद में हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट साहब और हमारे नेमत भाई और नेद सब फोन कर लेको थे एक मामला हो गया बोल को बहुत सारे लेडीज जो है यहाँ से घर से जो है लापता हो रही क्या समझ में नहीं आ रहा है जरा इंक्वायरी करिए बोल को तो आगो मोहल्ले के जो लेडीज थी उनको बुला को पूछने से पता चला कि बहुत सारे बैकान जो है संगे लल्ले को जो है संगे देखने को अच्छा दिखता क्या 10,000-15,000 रुपए मिल जाती एक 500,000 रुपए बनले गुजी बोल को वो एक संगा लेती और एक संगा लेती संगे के ऊपर संगा लेती बाद में क्या होता है बोले तो परेशानी हो जाती है ये बहुत खतरनाक बात वो संगा चुकाने के वास्ते गांगी जो है वाराम का ब्याज स्कूल लेती दिन के ब्याज स्कूल लेती बाद में फंडांगू ले लेती छोटे मोटे चिड़िया ना लालती ये जहर के आरोप बोले तो दिन पो दिन भल्ले को चले आता बहुत खतरनाक चीज है। देखो हमारे भाना माँ भाना जो है रो रही के बहुत सारे औरतान जो है हमारे मोहल्ले के गली के जो है पैसे देने की नहीं देने की वजह से जो है घर खाली करके चलेगी अब इनके जो इनके वालिदा कल रात से लापता ही वर्णा चैनल के पास ढूंढ लगू इंगे इनके भविष्य कमाती है पैसे बेगा क्या है मालूम इनको पास हमारे पास एक तो हमारे पास एजुकेशन कम जो हमारे इलाके ही इलाके में है मेरे खुद की घर की बात बोल रहा हूँ एजुकेशन कम समझ में नहीं आता 10,000 को कहते भाई 400-500 रुपए को बोल को दिखता वो लेकिन वो जहर बहुत खतरनाक जहर वो आज जो है इसमें भी देखो फोन हमें मैसेज आ चकोड़ता हूँ क्या हो रहा मैसेज आ बार बार आ रही जरा ट्रांजेक्शन फोन पे गूगल पे
होता रहता तो बैंक से फोन आ जाती है, प्राइवेट फाइनेंस वाले फोन करती है, तुम्हारा लोन सेंक्शन लोग है 2 लाख 3 लाख वो ले लोगो जो है, बहुत सारे नौजवान परेशानी, ये परेशानी को हमें सब मिलकर इंशाल्लाह हमारे वाल के पूरे जिम्मेदार जमको ही इंशाल्लाह ये क्या है सो हमें संगेंगे सारा को बुला को जो है और इसके बारे में क्या है जो ट्रीटमेंट हमें करते हैं। अब हमें संज्ञा के सार को सारा को जो ही उनको एक वार्निंग भी है, ये अब फौरन जितने भी एरिया के अंदर बार जो परेशान हाल नहीं जो लेडीज है इसे भी आपको जुलूम करना नहीं, पैसे पूछना नहीं, जब तक क्या डिसाइड इसके बारे में जो है डिसाइडमेंट नहीं होता, सेटलमेंट नहीं होता, तब तक जो है आपको जो औरत संज्ञा ले ली ये घर के अंदर वाले 500 से 800 हजार रुपए कमाने वाले ही 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए कहाँ से बनेंगे, उन्होंने भी समझते नहीं, वो कौन के रिकमेंड करती है बोलकर दे डालते हैं, इन्हों भी ले लेती, इन्हों भी लेना नहीं, उन्होंने देना भी नहीं, इन्हों लेना नहीं, अपनों देने बैठी सो ब्याज ब्याज वाला जो है ब्याज को देने बैठा, उन्हें क्या भी लेने को फिरता नहीं, लियो मेरे पास ब्याज को लियो और बोल को अभी ना जरूरत आ रही जागो क्या करते जरा अल्टरेशन करके बात झूठ सच बोल को क्या करती ले लेती, लेना नहीं ब्याज जो है आज के बिल की बिरयानी खाने के बदले दाल खाना खाओ, वो भी नहीं हुआ तो भाजी पत्ता खाओ, सुकून से रहो, अल्लाह की तरफ जो नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, ये क्या भैंसा पटिया को ले लगो, ये परेशानी उठा लगो, पंप कहते भाई का मई तो एक पिछले 2-3 महीना में 6-7 बजे का पुष्प मैडम करा देखो जो संज्ञा ले लगो जो सुसाइड कर ली सो सर, ये तमाम जो ये तमाम चीजें जो है ये बाहर आ चुकी हैं जी। मेरा आपसे एक सवाल है सर, सर मुस्लिम समुदाय में ये दावा करते हैं कि मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है जो पूरी इंडिया में है, क्या मुस्लिम लीडरों के पास इतनी औकात नहीं है कि जो है इस तरीके के लोगों को लेकर जो है एक लोन दिया जाए, क्यों इस पर क्यों आप लोग जो है काम नहीं करते सर? नहीं काम करना सोचिए, ये देखो हमें तो काम करने के वैसे 24/7 अवेलेबल नहीं, हमें काम करना चाहती है, हमें क्या करें इंशाल्लाह हमारे पास होते नहीं इक्तदार नहीं है, नहीं होने के बावजूद हमें जद्दोजहद करने की कोशिश कर रही, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें कोशिश करते हैं, हमारे बड़े बड़ के इसकी फिक्र करना था, ऐसे इलाके के अंदर छोटे छोटे बिजनेस कारोबार कपड़े ये फैक्ट्रियां खोल को जो है इनको काम देना था। अब देखो एक औरंगाबाद के अंदर अल खैर के नाम से एक बैंक चल रही है जिसके अंदर जो है मुसलमान की बैंक जिसके अंदर 0% लोन दे फ्री इंटरेस्ट लोन दे रही है, खाली प्रोसेसिंग फीस ले लगो अपने को घेरे के अंदर 10-10 बीबीसी टीम बना लगो उनको दे रही, देखो बिना इंटरेस्ट के ऐसा पैसे वसूल कर रही, उन्होंने बैंक अच्छी तरीके से चला रही और गैर खोमा उसके बैंक के अंदर जाकर ले रही, मैसूर के अंदर देखो औकाफ के इतने इतने बड़े प्रॉपर्टी है जिसकी इंतहा नहीं है, हार्ट ऑफ द सिटी में बड़े बड़े प्रॉपर्टी से जो मेन मेन अदमिया के हाथ में छह क्या बड़े बड़े दुकानदारों को दे डाल बड़े बड़े बिजनेसमैन को सौकार सौकारी छोरा गरीब गरीब छोरा ऑटो चलाने आज ऑटो चलाने वाला सब उसका बेटा क्या कर रहा गाड़ी ढकल लगो जा रहा की और को बोले तो डेवलपमेंट नहीं है, हाथ पकड़ रही नहीं हमारे जो बड़े ही जो सौकार ही जो अच्छे अच्छे औद्यापुर ही कारोबार में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट आगो जो है ऐसे इलाके के अंदर वाला को जो है उन्होंने आगो यहाँ खिदमत करना कहाँ स्लम है कहाँ तकलीफ है अदमिया को जो है गवर्नमेंट जो हमारे औकाफ के जो प्रॉपर्टी है उनको लेला देना, अभी इतने औकाफ की तरफ से जो है फंडा ही ये ही अब ये के अंदर तुम्हें सर्वे करके देख लियो कितने आदमियों को जो है वो औकाफ की तरफ से जो है जो बेनिफिट से उनको पहुँच को ही क्या भी पहुँच को नहीं, मैं आपके केवी न्यूज चैनल के जरिए से एक उम्मीद देता हूँ एक मैसेज देता हूँ कि ये जो औरत के साथ जो जुलूम हो रहा है जो तकलीफ में ही बहुत भाई का तड़प रही उनकी एक बहुत सारे बहन जो है एरिया छोड़ डाली संज्ञा नहीं बनने की वजह से और सारा को बात करके जो है क्या है इनको सहूलत को इंशाल्लाह देती क्या आने वाले दिनों में जो है क्या मेरी बात पर गौर करेंगे क्या सर? इंशाल्लाह जरूर गौर भी करेंगे इंशाल्लाह काम भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। सवेरे से कल परसों से एक ये एरिया के अंदर क्या हो रहा है को बोले तो अलग अलग घर में जो है औरत जो ही मिसिंग हो रही कोई औरत एक फैमिली के घर वाले 15-20 दिन से मिसिंग ही ये कई कुकों को बोले तो हमने बहुत सारे जने फ़ोन करे पार्टी की तरफ से जो हमारी यहाँ वार्ड नंबर 12 है SGP की लीडरशिप है यहाँ पर भी हमारे नियमत भी रहते हैं इनको भी बहुत सारे जने आपको कॉन्टेक्ट करको क्या बोले को बोले तो ऐसे बहुत सारे मामला आ रही जो औरत जो ही चली आ रही कहीं की वरना चैनल कहने कहते कि जने के पास पर्स मिले उनके चपला मिले उससे अंदेशा ये हो रहा है कि उन्होंने वरना में खुद डाले रहेंगे आपको क्या उम्र रहेंगी सर उनकी उनकी उम्र कहता बोले सो
35 से 40 के बीच में ही। क्या नाम उनका? नाम क्या? शबाना। इनके शोहर जो ही नो और उनके बेटे भी हैं। ये कई को मामला आ रहा को बोले तो यहाँ पर जो संगे लेती ना, ये संगा नहीं बनने की बुनियाद पर क्या हो रहा को बोले तो मेंटली टॉर्चर रहता हो रहा कि मजबूर होगा उन्होंने जारी। इसका ये क्या है को बोले तो खसूसियत यहाँ क्या है को बोले तो शांति नगर रंधे, गौसा नगर रंधे, बीड़ी कॉलोनी, इधर जितना भी हमारा एक खासकर स्लम लोग आई सो यहाँ इन्हों क्या करती को बोले तो शादी रंधे या एक ऑपरेशन रंधे कोई भी चीज़ रंधे यहाँ अर्जेंट क्या करता है तो संगा सलीस मिलता तो मजबूरन संगा ले लेती, ले लेते के मन क्या करती को बोले तो बनले को जाती सडन कंकिन पैसे नहीं रहता ये फेंडने के वास्ते और एक संगा लेती और एक संगे के साथ क्या करती को बोले तो वो भी 2000 को लोकल कुंदी बैस को देने वाले तो उनके पास ले लेती 1000 रुपये ले तो 500 रुपये मिला को देती को ले लेती उनका भी बढ़िया था। लास्ट में इतना बढ़िया था खर्ज जितना ले को रहती उससे 10 गुना बढ़ को रहता उसकी बुनियाद पर सुसाइड करने चली आती। ये जो हमारे माशरे में जो है ये सबसे बड़ी बुराई है लेकिन एक अल्टरनेट नहीं है, रोक सकती है सर। इसे रोकने के लिए क्या है को बोले तो दो तरीके से हमें देखने का है। एक क्या है को बोले तो हमारी शरीयत को साथ में लेकर हमारे जो उलमाए कराम ही बड़े बड़े जो तंजीमा ही इन्हों आकर मैदान में उतर कर यहाँ का जायजा ले को छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रियाँ दाल को देती हैं बत्तियाँ लगने के इसके इसके उसके जरिए से एक ये आम करना। दूसरा क्या को बोले तो हमारा जो पॉलिटिकल हमारे जो लीडर्स हैं इन्हों जो KMDC लोन आता बहुत सलीस लोन वो इसके जो स्कीम्स हैं बता को देते नहीं है अक्सर पूरे लेबर सिंह लेबर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। देखो बहुत सारे वाडा में कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के MLA हैं, MLA रहने के बावजूद भी यहाँ स्लम के अंदर कितने परसेंट लोगों को KMDC लोन मिलकर है, सैंक्शन होकर है। अगर यहाँ के स्लम आदमी को नहीं मिलता, उनका प्रोसीजर वैसा नहीं है को बोले तो ये कॉरपोरेटर और MLA की जिम्मेदारी है वो चीज़ को पास कराकर उनको सहूलत कर को देने की जिम्मेदारी। आज वो चीज़ आज ये नहीं। दूसरा क्या है को बोले तो जैसा आपको सवाल करे थे हमारे अल्ताफ भाई को भी उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि औकाफ की जगह के कई को हमें फ़ायदा नहीं उठा रही, कई को वो चीज़ें नहीं मिल रही हमारे आवाम को बोले तो देखो मैसूर के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं भाड़े को देखो ही ये भाड़ा वकबट को जाता सो 3000 रुपये जो ले को रहता ना उन्हें दूसरे को पलटा को 15,000 को 20,000 को भाड़ा देखो रहता। ऐसे चीज़ें वकबोट कमेटी को इल्म में है क्या को बोले तो हमें 2000-3000 को उन्हें पलटा को 15,000 को देखो है इन्हें बीच में इतने पैसे खराब को फिर भी ये कमेटी वाले क्या भी कर रहे नहीं। और एजुकेटेड अच्छे इखलास वाले साथ यहाँ जाकर जा है औकाफ के अंदर बैठ कर नहीं चंद दिना के वास्ते क्या बोलते हैं हमें कौम के वास्ते इदारे के वास्ते काम करने वास्ते को जब इसका औकाफ का इलेक्शन आता वकबोट का इलेक्शन आता बड़े बड़े स्पीच आ देती जैसे ही जरा साल गुजरती हैं और वो प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं वकबोट के इश्यूज़ वकबोट के प्रॉब्लम तुम्हारे सामने ही मैसूर के अंदर कितने चीज़ों के घोटाले सामने आ करेंगे को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक क्या है को बोले तो SDP जो है शुरू से भी हर इशू में साथ में रहती है मगर जब भी इलेक्शन सामने आता जैसे वकबोट का इलेक्शन रहते बैंकों का इलेक्शन रहते माइनॉरिटी का इलेक्शन रहते ऐसे चीज़ों को जब आप लोगों को भेजने का पब्लिक को भेजने का मौका आता जो नहीं होने के जो पुड़ियाँ डालती हैं वो पुड़िया में को हमारे आदमी क्या करती हूँ तो हमने पावर इख्तदार में नहीं ले लगाते अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इलेक्शन आता आप इख्तदार में एक मौका ला को देखो उस वक्त ये सभी चीज़ें जैसे ही हालत आई ये संज्ञान को हमें रोक नहीं सकते। आज हमें यहाँ ख़त्म करे तो सुबह दूसरी गली में स्टार्ट होकर रहता इसे क्या करना को तो आवाम के अंदर अवेयरनेस लाना स्कीमों को डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट के स्कीम सब्सिडी तुमना 1,00,000 रुपये अगर गवर्नमेंट लोन दे रहे हैं सब्सिडी 30% 70,000 रुपये बनने का रहता वो भी बहुत सहूलत के हिसाब से बनने का रहता। ये चीज़ों की जिम्मेदारी कौन को बोले तो जो कौम के वोट अंगों को जो ले लग जाओ लीडर्स बैठ करती इन्हों क्या करना को अपने खापिस के अंदर ऐसे स्कीमों को अवेयरनेस करना लेबर कार्ड पूरा लेबर आइंसो लेबर कार्ड बना को रहे तो लेबर कार्ड को उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री उनको कहते हुए हादसा हुआ तो हादसे की व्यवस्था फ्री स्कीम आती उनको टूल्स किट आती है बहुत सारी स्कीम लेबर कार्ड में हमारे कॉर्पोरेटर रहते हमारे MLA सब रहते यहाँ पर वैसे सहूलत बनाकर देखो नहीं है जाको बना लियो खुद मुख्तियार से हमें जाकर हमें बना लेना सो एक हर वार्ड के अंदर एक हाफिज रखो ये चीज़ें सहूलत अंगर कर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह SDP जो अवेयरनेस कर रहे हमारे जो अल्ताफ भैया थे SDTU के लेबर्स कार्ड हम बना कर देकर ही हमारे SDP ऑफिस में लेबर कार्ड हम बना देखो ही लेकिन हमारी जितना हम पब्लिक को हमें पहुँचना हमें पहुँच कर ही जितना वहाँ से आना वो तो आकर नहीं है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं
चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहेंदे, जेडीएस के रहेंदे, दूसरे भी रहेंदे, ऐसे मामलात में सामने आना हमारे कौम के माँ बहनों का मसला, ये चीज़ें जो नहीं होना था हो गई। इसे अल्टरनेट क्या कर सकती हैं, आपके पास इख्तदार है तुम्हें लेकर उसे क्या कर सकती हैं, कर देना। ना ये एसडीपी का मसला है, ना कांग्रेस का मसला है, ना ये दूसरे इनका मसला है, ये हमारे माँ बहनों को हम रोड पर नहीं छोड़ सकते। कौम का जो ये मसला है ये दिन ब दिन बढ़ लेकर जा रहा। और उलमाए कराम से भी गुजारिश क्या कर दूँ, उनको बोले तो पहले जो है जुमा के बयाना में बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, इसमें अवॉइड होता था। आज कमेटियों के डर की वजह से चंद उलमा बच गई, सो जो हक बात करी उनको भी आज तुम्हें देखते रहेंगे। हक उलमा को बोलने के बाद भी क्या होगा, हमारे शांति नगर के अंदर हमारे हाफिज अकमल सबको शहीद कर डाले, ये डर की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें अभी ठंडी हो गई। मैं उलमा कराम को भी बोलना चाह रहा हूँ, अव्वल सब में आप आकर हक बयान करना, ये चीज़ों को अवेयरनेस करना है ही नहीं कर रही को नहीं, बहुत कम जितने मस्जिद हैं उसमें चंद मस्जिद में जो चीज़ों को अवेयरनेस हो रहा, सो पूरे मस्जिद से आया तो आदमी गलियां के अंदर सारा गोरंदे से संज्ञान को जमानत बंद कर डाल दी, दूसरे जने एक जने स्टार्ट करे तो एक जने बंद कर डाल दी। ये अवेयरनेस हमारे में नहीं है, अवेयरनेस लाना। ये बात कहते हुए तमाम जो सुन रही जो हमारे मदरसी साहब सब ही उन्होंने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर लेकर ये चीज़ों को सामने पहले आती हैं फ़ोन करते गए माना, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को पहुँचाओ, इखलास के साथ तमाम लीडर्स को ये बात को पहुँचाओ, उनके पास वो क्या अल्लाह ताकत दे कर है, सलाहियत दे कर है, वो इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को लेते हुए हमें टाइम लेकर ही सुबह परसों वो जो उनके नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेकर जो सारा जो ये कर करें उनको हमें बात करती, जो हो सके हमें वो चीज़ करती। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे हमारे नेमत भी रहें, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट अत्तू साहब रहें, हमारे सेक्रेटरी रोहित साहब रहें, तमाम लोग आकर मेहनत कर कर यहाँ एक नतीजा लेला का करें, आइंदा इंशाल्लाह हमें वो चीज़ करती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे जुनेद भी बोले, जो वुमेंस हमारे मस्कुरात हैं हमारे मोहल्ले के, बहुत से मस्कुरात संघों की वजह से परेशानी, बहुत से घर छोड़ कर चले गई, बहुत से सुसाइड हो गए हैं, बहुत से हादिसात हो गई, ये हादिसात नहीं होना हो, अब ले ली उन्हों प्रॉब्लम हो गया उनकी तरफ से, उनको सहूलत क्या करना, क्या फैसिलिटी करके देना, ये वास्ते हमने फ़ोन आया। इसलिए हमारे पूरे जिम्मेदार ना को इनसे वादा कर गई, और वो जिम्मेदार जो संघे के सर से ही, उनको हमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन करना, कई सारा रहना आवाम के साथ क्या करना, जिसे तकलीफ़ है उनको तकलीफ क्या है, वो परेशानी सॉल्व कर देने के बारे में बात कर गई। और दूसरी बात क्या बोले तो अवेयरनेस का, जैसा जुनेद भी बोले अवेयरनेस है, के एम सी ऐसा बहुत से लोना ही गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोना हमें मालूम होते नहीं, एक मामूली से खतना करे तो एक कुश्ती चलते रही तो अलाउंस कर लग जाती, मगर आवाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज तक अवेयरनेस सही तरीके से पहुंचाते नहीं, क्या वास्ते नहीं पहुंचाते तो आवाम तो ले लग जाना नहीं चाहते। एक कुश्ती का प्रोग्राम हो, एक खतना करा रही, एक अंख्या का काम करा रही, उतना सोशल मीडिया के अंदर ये करती, मगर जो आवाम को जो ज़रूरी है, जो लोन माइनॉरिटीज़ के वास्ते आती हैं, खसूसन मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए जो लोन्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो पहुँचाने की कोशिश सही तरीके से नहीं हो रही मैसूर के अंदर। और मैसूर के अंदर दानिशमंदा जो जिम्मेदार हैं, जो लीडर्स हैं, जो अहदे पर हैं, अब उन्होंने जो सोशल वर्कर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो हमारे जो वुमेंस मस्कुरात भाना परेशानी, जो खरजदारी ये परेशानी में मुब्तला हो गई, इनके लिए कुछ ना कुछ बैठ को फिक्र कर को, उलमाए दीन के साथ बैठ को फिक्रमंद हो को इन मस्कुरात की परेशानी को हल करना। और रही बात क्या करते हैं संघे के सहारा का, क्या बोला तो हद से ज़्यादा मोहल्ले के अंदर आको जुल्म देना, टार्चर देना, उनके जाना जाना, ये हमें नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें मालूम है उन्होंने उनकी मर्जी से ले कोई इनको को, मगर कहाँ की उनको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम रहा तो सोल्यूशन कार्ड को देना, तुम्हें मन मर्जी ले लिया को घर आंगन गलाटे करना, टार्चर करना नहीं करना। और दूसरी बात क्या, तो लेने वालों से भी क्या बोले तो आपकी जितनी ताकत है उतना लो लेना, उतने संगे लेना, तुम्हें ले लेको अगर परेशानी होता है बोले तो ऐसा भी होता, आप भी लेना नहीं, अब ले लीजिए वाले का प्रॉब्लम क्या आएगा तो साल भी होकर देना इंशाल्लाह, वो संगे के सारा को बुला को इंशाल्लाह बातचीत करो, नहीं क्या प्रॉब्लम थी वुमेंस के इंशाल्लाह सॉल्व करके देते।